बिग बॉस ओटीटी 2 से बाहर आने के बाद फलक नाज ने खुलकर अपने परिवार और गेम को लेकर बातचीत की है। वो बार बार शो में हुई अविनाश के साथ अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। फलक नाज ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में बताया कि फलक माता पिता के साथ रहकर पली बढ़ी, लेकिन शफक जो उनकी छोटी बहन है उनकी परिश मामा नानी के घर पर हुई थी। शफक और फलक के बीच में 17-18 साल की उम्र तक ज्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी क्योंकि दोनों बहनें अलग अलग परिवार में पली बढ़ी थीं। फलक नाज ने बताया कि उन्होंने बचपन में कई सारी चीजें ऐसी फेस की हैं जो दर्दनाक थी। उन्होंने जब होश संभाला तो उन्होंने माँ को बिल्कुल अकेला पाया। शफक नाज के लिए उनकी माँ ने अपने कंगन बेचकर डांस क्लास में एडमिशन कराया था। फलक नाज ने बताया कि जो भी उनकी माँ का अपमान करता है उसे फलक कभी माफ नहीं करती है। शफक नाज ने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कभी परिवार का प्यार नहीं मिला और बचपन में उनकी माँ ने ही उन्हें नकार दिया था। इस पर फलक ने अब रिएक्ट किया है। बड़ी बहन फलक नाज ने कहा कि जब माँ बेटी के बीच इतनी लड़ाई थी तो माँ ने कंगन किसके लिए बेचे थे। शफक नाज ने अपनी माँ पर पैसों के हेर फेर का इल्जाम लगाया था, तब फलक की माँ की उनके साथ लड़ाई बढ़ गई थी। फलक ने बताया कि हम मुंबई में रहते थे। शफक नाज अपने परिवार से 8 से 9 साल पहले अलग हो गई थी। ये लड़ाई इसी पैसों को लेकर हुई थी। फिर शफक और फलक के बीच भी भयंकर लड़ाई हुई थी। फलक की बहन शफक अलग रहती है जबकि शिजान, फलक और छोटा भाई उनके माँ के साथ रहते हैं। वहीं शफक ने फलक की अविनाश के साथ बढ़ते रिश्ते पर रिएक्शन दिया था और कहा था कि जब वो बाहर आएंगी तो उसके बाद वो लोग मिलकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। वहीं फलक की अभी तक अपनी बहन शफक से इस पूरे मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। वहीं फलक और शफक आपस में ज़्यादा बातें भी नहीं करती हैं और वजह उन दोनों के बीच चल रहे मतभेद ही हैं। मतलब क्या अविनाश को लेकर फलक और शफक के बीच बातें होंगी? क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएँ।